अभिषेक जी, लगातार बसपा सुप्रीमो बहन के मायावती के ऊपर सीधा सवाल उठता है कि वह किसी की सुनती नहीं है। देखिए, समाज में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग होते हैं कि जिनका सिद्धांत होता है लो थिंकिंग हाई लिंकिंग। बहुत सारे लोग हैं वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं, वो लिंक बनाना चाहते हैं जिससे वो क्या है कोई चीज़ हासिल कर सकें या अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकें। दूसरे लोग होते हैं जो अपने काम को हमेशा तवज्जो देते हैं। तो जो लोग तवज्जो देते हैं वो उम्मीद करते हैं कि बहन जी के निर्देशन में काम किया जाए, उनको बहन जी से मिलने की चिंता नहीं है, उनको इस बात की हमेशा तलब रहती है कि बहन जी उनको कौन सा निर्देश दे रही हैं जिसको उसको पालन करना है। लेकिन जो लो थिंकिंग हाई लिंकिंग वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि बहन जी से हम मिलने जाएं, एक फ़ोटो लेके आएं और पूरे समाज को गुमराह करें कि हम बहन जी को जानते हैं और बहन जी हमें जानते हैं। तो केवल शिकायत उन्हीं लोगों की है जो लोग अपना कर्तव्य नहीं जानते हैं। जो लोग अपना कर्तव्य जानते हैं उन लोगों को पता है कि बहन जी इस समय में कितना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, उनका एक एक मिनट इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लोग वो ये बात जानते हैं। इसलिए जो अपना कर्तव्य जानते हैं उनकी ये शिकायत नहीं है। जो लो थिंकिंग हाई लिंकिंग वाले लोग हैं उनकी ये शिकायत होती है कि बहन जी नहीं मिलती। आप बहन जी से मिलना क्यों चाहते हैं? ये बहन जी आंदोलन चला रही हैं, कोई राजनीति, केवल वो प्योर राजनीति नहीं कर रहे हैं कि उनको केवल सत्ता पाना है। बहन जी जो फूले साहू अम्बेडकर का है उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। अगर हम उस मूवमेंट से सहमत हैं तो हमारा जो रोल है वो हमें करना चाहिए, और अगर हम वो रोल करते हैं तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन ज़रूर बहन जी से लोगों की मुलाकात होगी। तो इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो बहन जी से की ये आलोचना करते हैं कि वो नहीं मिलती हैं, और कौन लोग हैं जिनको बहन जी से कोई शिकायत नहीं है। तो ये हम चरित्र भी उनका इसी तरह से समझ सकते हैं कि ये किस चरित्र के लोग हैं, कितने सामाजिक हैं, कितने अनसोशल हैं, ये हम समझ सकते हैं कि वो बहन जी से क्यों मिलना चाहते हैं।